जी टीवी का सबसे फेमस डांस रियलिटी शो डांस इंडिया डांस सुपर मॉम्स को अपने तीसरे सीजन का विनर मिल गया है। 25 सितंबर 2022 को हुए शो के ग्रैंड फिनाले में विनर का नाम सामने आ गया। इस शो के तीसरे सीजन की ट्रॉफी को हरियाणा की वर्षा बुमरा ने अपने नाम कर लिया। इसके बाद से वर्षा बुमरा को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि वर्षा बुमरा को शो की ट्रॉफी के साथ और क्या क्या मिला है। हरियाणा की रहने वाली वर्षा बुमरा ने डांस इंडिया डांस सुपर मॉम्स के विनर का खिताब अपने नाम कर लिया। वो पहले एक दिहाड़ी मजदूर थी। इस काम से वो काफी कम पैसे कमाया करती थी, लेकिन शो जीतने के बाद उन्होंने ट्रॉफी के साथ साथ 7.5 लाख रुपए की रकम भी अपने नाम कर ली, जिसे पाने के बाद वर्षा बुमरा बेहद खुश नजर आ रही थी। जब वर्षा बुमरा से इन पैसों को लेकर सवाल किया गया, तब उन्होंने कहा इन पैसों को अपने बच्चे की पढ़ाई में लगाएंगी और इसकी इच्छा पूरी करेंगी। जिसके बाद से लोग सोशल मीडिया पर वर्षा बुमरा को लेकर काफी चर्चा कर रहे हैं और उनकी खूब तारीफ भी कर रहे हैं। डांस इंडिया डांस सुपर मॉम्स शो जब से शुरू हुआ था, तब से चर्चा में बना हुआ था। डांस इंडिया डांस सुपर मॉम्स शो को बॉलीवुड एक्ट्रेस भाग्यश्री, उर्मिला मातोंडकर और जाने माने कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा ने जज किया था। इस शो के होस्ट जय भानुशाली रहे। इस शो में कई मॉम्स ने हिस्सा लिया था, लेकिन सबको मात देकर विनर वर्षा बुमरा रही। शो के विनर बनने के लिए वर्षा बुमरा ने खूब मेहनत की थी, तब जाकर वो इस शो को जीत पाई। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और टीवी से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।